प्रियंका गांधी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचती उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। मोदी के ब्लॉग पोस्ट के केंद्र में कांग्रेस की वंशवाद की राजनीति, गांधी परिवार पर निशाना और रक्षा सौदे का घोटाला रहा। लेकिन राजस्थान तक की इस रिपोर्ट में देखिए कैसे चुनाव से पहले प्रधानमंत्री वंशवाद के जिस आरोप में कांग्रेस को घेर रहे हैं, खुद उसी आरोप में उनकी पार्टी बीजेपी राजस्थान में टिकट बंटवारे पर फंसती दिख रही है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें माना जा रहा है कि करीब 15 उम्मीदवार नेताओं के बेटे, बेटियां और बहू बनने जा रही हैं। इनमें चर्चित नाम है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का। अपनी मां की परंपरागत सीट बारा झालावाड़ से सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। धौलपुर के पूर्व राजघराने से आने वाले दुष्यंत सिंह ग्वालियर से लगती हुई झालावाड़ा सीट पर अपनी मां की बदौलत राजनीति करते हैं। बीजेपी सांसद राम कसवा के बेटे राहुल कसवा को भी टिकट चाहिए। पूर्व बीजेपी सांसद गिरधारी लाल भार्गव के बेटे मनोज भी चाहते हैं टिकट। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला को भी टिकट दिए जाने की संभावना है। ये तो हुई बात बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वंशवाद का आरोप बीजेपी भले ही कांग्रेस पर लगाती रही हो, लेकिन अपने घर वालों को आगे बढ़ाने में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। विजया राय सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनी तो राजस्थान की पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने अपने बेटे को सांसद बनाया। चाहे बीजेपी के नेता जसवंत सिंह हो या फिर बैरिसो शेखावत, सबने अपने घर वालों को चुनावी राजनीति में लेकर आए। हालांकि ये भी सच है कि कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से कहीं आगे है। कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा नाम उभर कर आ रहा है राज्य के मुखिया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का। माना जा रहा है कि वो अपने पिता की परंपरागत सीट जोधपुर से या फिर जलौर सिरोही से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा उम्मीदवार बन सकते हैं। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह भी जैसलमेर बाड़मेर से कांग्रेस पार्टी से ही टिकट चाहते हैं। कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता रहे शीश राम ओला की बहू भी कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री परसादी लाल मीणा के बेटे भी दौसा से टिकट चाहते हैं। विधायक ब्रजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला भी झुंझुनू से टिकट का दावा कर रही हैं। नाथूराम मीर्धा की पोती ज्योति मीर्धा भी नागौर से टिकट चाहती हैं। यानी कांग्रेस हो या बीजेपी, वर्तमान राजनीति में वंशवाद का आरोप दोनों के दामन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।